जीके फॉर एग्जाम इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्जाम इन हिंदी में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को आसानी से जो है देख सकें। फ्रेंड्स, आज हम जो है स्टेट और सी स्टेट से संबंधित तो एनवायरनमेंट स्टडी का टॉपिक कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके इस एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। प्रश्न नंबर 121, नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 5। प्रश्न नंबर 122, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, वायुमंडल की आर्द्रता पर। प्रश्न नंबर 123, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, 22 मार्च को। प्रश्न नंबर 124, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, कांजीरंगा। प्रश्न नंबर 125, निम्न में से जल की बीओडी बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3, शर्करा मिल की अपशिष्ट। प्रश्न नंबर 126, डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, ओजोन परत की मोटाई मापने में। प्रश्न नंबर 127, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, मीथेन। प्रश्न नंबर 128, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, सुंदरवन। प्रश्न नंबर 129, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, सीधा। प्रश्न नंबर 130, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2, लिंडेमान। प्रश्न नंबर 131, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, संक्रमण इकोटोन। प्रश्न नंबर 132, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न नंबर 133, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, लाइकेन। प्रश्न नंबर 134, हैदराबाद में स्थित हुसैंग सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, जलकुंभी। प्रश्न नंबर 135, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, जीरोफाइटस। प्रश्न नंबर 136, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, स्वीडन, 1972 में। प्रश्न नंबर 137, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, कोलकाता को। प्रश्न नंबर 138, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, शोभमंडल। प्रश्न नंबर 139, पृथ्वी तल पर 23.2 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1, कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 140, यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, प्राथमिक उत्पाद। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, घास। प्रश्न नंबर 142,
विलुप्ति के संकटग्रस्त जंतुओं व पादपों की सारणी का प्रकाशन किस पुस्तक में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन एक, रेड डाटा बुक। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन चार, अपघटक। प्रश्न नंबर 144, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन तीन, औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो वो जो है जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 145, मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन दो, प्रोटीन युक्त। प्रश्न नंबर 146, आपके मोहल्ले में किसी बालक का शरीर बेडोल हो तथा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हों तो उस बालक में कौन सा रोग होने की संभावना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन एक, क्वाशियोरकर, तो जो यह बच्चों को होता है कुपोषण। प्रश्न नंबर 147, खेतों जलाशयों से बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण जलाशयों के, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन दो, शैवाल ब्लूम बनते हैं एवं ओट यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 148, किसी परितंत्र में होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन चार, जैविक व अजैविक पदार्थ। प्रश्न नंबर 149, इको मार्क क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन दो, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना। प्रश्न नंबर 150, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन दो, रासायनिक प्रकाश और यांत्रिक। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन या सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।